point Echo 4, runway 35 QNH 1010, undercut 925, POB 02101. मुझे बहुत ज़्यादा लकी फील हो रहा है क्योंकि ये हर किसी को नहीं मिलता जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिला है। जब फोर्थ ईयर में यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम के लिए नेवी आई थी, उनकी यूनिफॉर्म देख के मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गई। फिर मुझे पता लगा कि नेवी की वुमेन एंट्री स्टार्ट हुई है एज अ पायलट, तब मैंने डिसाइड किया कि मैं नेवी ज्वाइन करना चाहती हूँ। जब हमारी पहली सोलो होती है, जब हम अकेले उस जहाज को लेके जाते हैं, तो उस टाइम बहुत डर लगा कि पता नहीं मैं अकेले ले जा पाऊँगी या नहीं। तो पहली बार जब टेक ऑफ किया तो उसके बाद फिर सारा डर चला गया। वो एक अलग ही फीलिंग होती है, आप ऊपर से देख रहे हो, हर चीज़ आपको छोटी दिख रही है, पूरी दुनिया छोटी दिखती है। मेरा ये पूरा ऑपरेशनल कोर्स ख़त्म हो जाए और मैं थोड़ी एक्सपीरियंस आ जाए, मैं PATI में कन्वर्ट करना चाहूँगी, विच इज़ अ बिगर एयरक्राफ्ट, और उसमें उसकी रेंजेस ज़्यादा है और वो ज़्यादा टाइम के लिए फ्लाई कर सकती है। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे शिप पे अभी लड़कियाँ नहीं जाती, तो वो मौके आएंगे तो उनको अचीव करना है। अभी बहुत कुछ है हमारे पास अचीव करने को। सब आस पड़ोस के लोग, सब ने मुझे टेक्स्ट किया, मैसेज किया, उनको अच्छा लग रहा है कि कोई हमारे तरफ की है जो कुछ डिफरेंट कर रही है। एटलीस्ट मैं कुछ कर पाई जिससे वो लोग इंस्पायर हो रहे हैं। मे बी अब उनमें से कुछ लड़कियां होंगी जो मुझे देख के इंस्पायर होंगी और वो भी इस तरफ आने का सोचेंगी। ऐसे तो खुशी होती है, लेकिन जब लोग कहते हैं कि आपकी बेटी बहुत अच्छा कर गई, तो हमें और खुशी हो जाती है, लगता है कि हम पूरा फूल गए और आज बेटी के कारण ही मेरा नाम रोशन हुआ है।